हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का रचना ऑफिशियल ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नया ब्लॉग। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, हम जा रहे हैं लोटस टेंपल और कालकाजी मंदिर। दिल्ली का फेमस है लोटस मंदिर, वहाँ पूरा हम आपके साथ इंजॉय करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, हम रेडी हो चुके हैं, अब 12 बज चुके हैं और मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ सैर करें लोटस टेंपल और कालकाजी मंदिर का। तो चलिए चलते हैं। एक बार फिर से हम इफ्को चौक आ गए मेट्रो स्टेशन पिक करने। इफ्को चौक आ गए, यहाँ से हम मेट्रो लेके जाएंगे हॉर्स क्रॉस, वहाँ से हमें एक और मेट्रो चेंज करना होगा, वहाँ तब जाके हम वो कालिका स्टेशन उतरेंगे और वहाँ से हम जाएंगे कालिका मंदिर और पास ही में लोटस टेंपल है तो वहाँ पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब और आगे मेट्रो पिक करते हैं, टोकन लेते हैं, मेट्रो पिक करके जाते हैं हम आगे। गाइस आ चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम मेट्रो पिक करने वाले हैं और यहाँ से हम बहुत बहुत आएंगे, वहाँ से हमें मेट्रो चेंज करना पड़ेगा और वहाँ फिर उसके आगे कालिका मेट्रो स्टेशन वहाँ रुकेंगे और वहाँ से हम जाएंगे लोटस टेम्पल कालिका मंदिर। तो चलिए चलते हैं आपके साथ। जे फ्रेंड्स, हम हाउस हॉर्स स्टेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम मेट्रो चेंज करने वाले हैं। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। चलते हैं आगे। कालिकाजी मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से निकल के हम जाने वाले हैं, पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले हम लोटस टेंपल सोच रहे हैं कहाँ जाएं, लोटस टेंपल जाएं, कालिका जी मंदिर जाएं। तो चलिए जहाँ हम जाते हैं वहाँ भी आप भी चले और हमारे साथ इंजॉय करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोटस टेंपल के मेन गेट पे आ चुके हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और हमें लाइन लगाना पड़ा एंट्री लेने के लिए। देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हे फ्रेंड्स, हम लोग लोटस टेंपल आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोटस टेंपल आए और यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, घूमना बड़ा मुश्किल लग रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम आप लोग के साथ बने रहेंगे और आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं कि कैसा लगा लोटस टेंपल हमें आके और आप लोग को देख के कैसा लगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का सारा। भीड़ तो बहुत है। हम लोग लोटस टेंपल के साइड बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं कितना ही भीड़ दिख रहा है और धूप की वजह से जो लोटस टेंपल है कैमरे में अच्छे से कैप्चर शायद ना हो पा रहा। देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा लोटस टेंपल। फिर भी लोटस टेंपल के चारों साइड का ये नज़ारा, ये लुक आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारी डिज़ाइंस वगैरह कर रखा था इन्होंने, जो बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हैं ये कलर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सनलाइट में, और ग्रीन रेड वाइट कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। वाइट बहुत ही ज़्यादा वाइट है बट सनलाइट की वजह से ज़्यादा वाइट नहीं आया ये लोटस टेंपल। हमें तो देख के यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। हे गाइस, यहाँ बहुत भीड़ थी और हम अंदर जा नहीं सके। रो रहे हैं कौन? हाँ,
डिफरेंट। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ कुछ अच्छे अच्छे पिक क्लिक नहीं हो पाए, ना ही वीडियो अच्छे बन पाए, बट जितना कोशिश किया उतना किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं कालिका मंदिर, और यहाँ से निकल के मैं वहाँ का पूरा एक्सप्लोर करूँगी। चलिए चलते हैं आप लोग के साथ आगे। ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। वहाँ हमने शायद नहीं बताया था कि हम इस टेम्पल जाएंगे, बट इस वाले टेम्पल पे भी हम जाने वाले हैं। उसका दूसरा कुछ नाम है, मैं वहाँ चल के आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। हमारा भी आगे हम तीनों जा रहे हैं एक साथ और ऑटो में बैठ चुके हैं, निकलते हैं आप लोग के साथ। इस्कॉन टेम्पल यहाँ का भी दिखाते हैं, यहाँ क्या क्या है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वो भी जंगल झाड़ी में। जंगल झाड़ी में नाम होगा लग तो यही रहा कि जंगल में आ गए हैं। चलिए फिर भी लेके चलते हैं आपको हमें अपने साथ। गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सीधे पैदल जाना है, यहाँ पे कोई ऑटो ऑटो नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर जाना तो पड़ेगा ना। आए हैं तो जाना तो पड़ेगा, पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाना भी तो पड़ेगा, तभी तो वीडियोस में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होंगे हमारे चैनल। देख सकते हैं हम इस्कॉन टेंपल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ कुछ अलग अलग सिटी से लोग आए थे जो एक अच्छे ही लुक में थे, घाघरा चोली के लुक में थे, अच्छे लग रहे थे। देख सकते हैं ये इस्कॉन टेंपल के अंदर का नज़ारा। यहाँ भी कुछ अच्छा ज़्यादा ही भीड़ था और यहाँ हमें बहुत कुछ देखने को मिला, न्यू चीज़ें जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। देख सकते हैं यहाँ भी रेड कलर का वाइट कॉम्बिनेशन एंड ग्रीन, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ कुछ प्राचीन हुआ था राधे कृष्ण का मंदिर है ये, यहाँ कुछ स्पेशल पुराना बहुत पुरानी सदी में हुआ था। देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कृष्ण भगवान भगवान जी को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं और आगे आपको लेके चलती हूँ। देख सकते हैं ये इस्कॉन टेम्पल का मेन गेट है, यहाँ कम से कम 3-4 गेट हैं जहाँ से आप जहाँ से मन करें वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे सबसे मेन मंदिर राधे कृष्ण के मंदिर में, तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं वहीं। वहाँ शायद 4 बजे ओपन होता है वहाँ का मंदिर, तो हम लोग थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे तो हमें वहां बैठ के वेट करना पड़ा। देख सकते हैं ये अब मेन गेट में एंट्री कर रहे हैं। चल के आपको हम दिखाते हैं अंदर क्या है, कितना प्यारा है ये राधे कृष्ण का मंदिर। हाँ तो गाइस देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा बहुत ही भव्य कलाकारी के साथ बनाया गया था, और कृष्ण राधे की मूर्ति लगी हुई थी और एक अच्छा व्यू था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ मेन गेट बंद है राधे कृष्ण का, उनके दरवाज़ा के खुलने का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के। देख सकते हैं यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, 4 बजे ओपन हो गया तब तक लिए हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए हम उनके दरवाजा ओपन होने का इंतजार कर ही लेते हैं, तो आप भी वीडियो में बने रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। देख सकते हैं ये ओपन होने लगा मेन गेट, जय श्री राधे।
राधे कृष्ण का मंदिर है ये जो सबसे मेन है। यहाँ हमें कुछ मिनट कुछ के आधे घंटे वेट करना पड़ा, बैठना पड़ा, देख सकते हैं आप लोगों ने वीडियो में देखा वहाँ हमें बैठना पड़ा। और वहाँ से वो मंदिर का गेट ओपन हुआ और राधे कृष्ण मंदिर को हमने देखा, भगवान कृष्ण को देखा। यहाँ कुछ इस्कॉन का फेमस कुछ है बट मुझे पता नहीं, नॉलेज लेके मैं आपको बता दूंगी वीडियो में। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कालिका जी मंदिर, वो जो मेट्रो स्टेशन के पास ही है, वहीं अब चलते हैं। चल तो आगे हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कालिका जी मंदिर के लिए, पास ही में यहाँ हमें ऑटो मिलने वाले हैं तो यहाँ से ऑटो पिक करके शायद जाना पड़े। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हमें जाना पड़ेगा कालिका मंदिर। ऐसे हम कालिका जी मंदिर पे आ चुके हैं, यहाँ से अब हम आपको आगे दिखाने वाले हैं वीडियो में कि कहाँ क्या है कैसे है। तो आपको आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा अंदर जाके आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तब तक लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ से चलने लगे हैं और आगे चल के दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। फ्रेंड्स मंदिर में हमें वीडियो बनाना और फोटो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो आपको आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो क्या कर सकते हैं, फिर भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर पक्का करो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम यहाँ से, यहाँ तो हमने घूम लिया, पूजा पाठ कर लिया, यहाँ से हम जाएंगे अपने घर को। यहाँ कालिका जी मेट्रो स्टेशन से हम अपने इफ्को चौक तक जाएँगे, उसके बाद हम वहाँ से अपने घर को जाएँगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। गाइज अब हम लोग आ चुके हैं डिनर के लिए क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं, तो हम लोग हल्दीराम होटल में आए हैं अपने घर के पास में ही हल्दीराम होटल, वहीं आए हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा होटल है। अब यहाँ से हम कुछ ऑर्डर करेंगे, क्या करना है ऑर्डर अभी ऑर्डर करेंगे, चूज करने के बाद हम कुछ ऑर्डर करेंगे और खा के मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइज तो हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं, बहुत ही टाइम लगा और हम बहुत थक चुके हैं, तो इसलिए आप लोग भी आराम करिए, हम भी चल रहे हैं आराम करने। बाय बाय, गुड नाइट।